रीवा कॉलेज चौक के पास एसपी के निर्देश पर वाहनों की सघन चेकिंग की गई, जिस पर मोटिफाइड गाड़ियों पर चालानी कार्रवाई की, साथ ही शराब के नशे में ड्राइविंग करते पाए जाने पर चालान काटे गए और यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। डीएसपी मनोज शर्मा ने कहा कि चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट का उपयोग करें और सुरक्षित रहें। इस समय जो कार्रवाइयां चल रही हैं, तो चालानी कार्रवाई पर्याप्त चल रही हैं, वो भी कि लगभग शराब के नशे में लोग ड्राइव कर रहे हैं, जिसको देखते हुए रीवा एसपी के द्वारा निर्देशित किया गया है कि हर चौराहे पर चालानी कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी पर रीवा के टीआरएस कॉलेज चौक पर आज तकरीबन 8 बजे से लगातार जांच चेकिंग चल रही है, चेकिंग अभियान के तहत, जिसके द्वारा रीवा एसपी के द्वारा लगातार सघन, वो भी टाइम निर्धारित नहीं है, आज तकरीबन इतनी समय 9 बज रहे हैं, जो कि समय को देखते हुए भी 8 बजे के आसपास यहां पर सघन चेकिंग शुरुआत की गई है। अब तक लगातार शराबी ड्राइविंग पर लगाम लगाने के लिए उन पर चलानी कार्रवाई की जाएगी, अगर उतरे के बाद भी सुधार नहीं होता तो न्यायालय के पास भेजा जाएगा, वहां से जो भी निर्णय होगा उसको दरकिनार नहीं मान्य करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग ड्रिंक पे लाए गए मुहिम के तहत चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी हाईवे पर हम लोगों ने कार्रवाई की थी, उसमें हमारा इंटरसेप्टर व्हीकल भी था, दोनों तरह की जमीन कल की थी, उसी को कंटिन्यू किया। टीआरएस चौराहे पर एसपी साहब के निर्देश मिले हुए थे, सघन चेकिंग अभियान चल रहा है, 3 जगह चेकिंग चल रही है।